दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को शताब्दी वर्ष समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। अब खबर है कि कार्यक्रम के दौरान डीयू और उससे जुड़े कुछ कॉलेजों ने छात्रों पर काले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। साथ ही छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति या कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं आयसा, एसएफआई समेत अन्य वामपंथी छात्र संगठनों ने पीएम के डीयू आगमन से पहले काले कपड़े पहनने पर रोक लगाने का विरोध किया है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर अजीत अगरकर ने राष्ट्रीय चयन समिति में एक पद के लिए अपना आवेदन जमा किया है, जहां अगरकर खुद इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक सदस्य ने क्रिकबस के लिए इस बात की पुष्टि की। सभी प्रारूपों में कुल 221 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अगरकर शानदार करियर के साथ अध्यक्ष पद के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 45 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर द्वारा चयन समिति के पद के लिए आवेदन करने की खबर उसी दिन आई जब दिल्ली कैपिटल्स ने उनसे अलग होने के अपने फैसले का ऐलान किया। आवेदन प्रक्रिया 30 जून को बंद हो जाएगी और अगले सप्ताह नए चयनकर्ता या मुख्य चयनकर्ता की घोषणा होने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों से जारी बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। राजधानी के कई इलाकों में शुक्रवार तड़के झमाझम बारिश हुई और अनुमान है कि रविवार तक नई दिल्ली में लगातार बारिश होगी। दरअसल देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून के पहुंचने से बारिश का सिलसिला जारी है। इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 19 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में सामान्य से 40% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बाढ़ जैसे हालात हैं और गुजरात के कुछ जिलों में बारिश से लोग बेहाल हैं। कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म सत्य प्रेम की कथा के रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद कई लोगों ने रिव्यूज दिए, जिसमें सबसे खास रिव्यू सिद्धार्थ मल्होत्रा का रहा। फिल्म से पत्नी कियारा की एक तस्वीर शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने लिखा कि समीर विद्वान द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक सामाजिक संदेश देने वाली एक प्रेम कहानी है, जो सारे कलाकारों के शानदार प्रदर्शन से भरी है। सिद्धार्थ ने आगे लिखा, कथा तुम्हारे पास मेरा दिल है। खुशी है कि कियारा ने इस किरदार को इतने प्रभावशाली परफॉर्मेंस के साथ निभाने के लिए चुना। आपको और पूरी टीम को बधाई हो।